हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में आज हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। आज डेट है 25 अप्रैल 2020। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू बायोफ्यूल्स कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोफ्यूल्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, बायोफ्यूल इज़ द हाइड्रोकार्बन फ्यूल डैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बायोफ्यूल जो होते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं जिनका उत्पादन एक लंबे समय अंतराल के बाद ऑर्गेनिक मैटर से किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एम्स टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग बाई ईयर 2030। तो 2030 तक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का जो एम है वो है कि वो बायोफ्यूल्स में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग करेंगे। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बायोकार्बन जो है, बायोफ्यूल जो है वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल तो है ही, लेकिन इसको प्रोड्यूस किया जाता है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ना कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है डे, वीक या मंथ में, ना कि ईयर्स लग जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू तैयार किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीसीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक संस्था है। सेकेंड है, इट ओवरव्यूज द फंक्शन ऑफ प्रिंट मीडिया ओनली, इसका जो काम है वो सिर्फ प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करना है, कार्यान्वित करना है। थर्ड है, इट्स डिसीजन आर फाइनल एंड कैन नॉट बी अपील्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है और किसी भी कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए वन एंड टू ओनली, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, एंड डी वन टू एंड थ्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू एंड थ्री ओनली, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो निर्माण है वो बनाया गया था इसको पीसीआई एक्ट 1978 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो डिसीजंस है वो किसी भी कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसके डिसीजन फाइनल होते हैं। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं उसको रेगुलेट करता है, ना कि ब्रॉडकास्टिंग में होते जैसे टेलीविज़न, तो इन सबको ये रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द अंबुबाची मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन असम। तो अंबुबाची मेला जो है हर एक साल असम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग जब आने का सीजन है। बी है सेलिब्रेशन ऑफ टी हार्वेस्ट, सी है बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, एंड डी है एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेज कामाख्या। तो कामाख्या देवी टेम्पल जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है जो असम में है, और ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रिवर रावी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रावी रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट राइजेज फ्रॉम द हिमालय इन जम्मू एंड कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर में हिमालय से निकलती है। सेकेंड है, द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 एलोकेटेड टू इंडिया द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर ऑफ रावी रिवर। तो 1960 का जो सिंधु जल समझौता है इसके हिसाब से रावी नदी के जल का उपयोग भारत जो है अनियंत्रित तरीके से कर सकता है, मतलब इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। थर्ड है, शाहपुर कांडी डैम इज लोकेटेड ऑन इट। तो शाहपुर कांडी डैम जो है वो रावी रिवर पे है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए वन एंड टू ओनली, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, एंड डी वन एंड थ्री ओनली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू एंड थ्री ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं मैप में रावी रिवर की लोकेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रावी रिवर, यहाँ पर जो डार्क लाइन में है ये रावी रिवर है, इसके नीचे है सतलज, ब्यास, ठीक है। और अगर हम इससे ऊपर बात करें जिसको पाकिस्तान
के लिए दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत, वो है चेनाब, झेलम एंड इंडस। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का, इसमें इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेडली रावी, ब्यास और सतलज रिवर के वाटर को यूज कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो चेनाब, झेलम और इंडस रिवर को कर सकता है। अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे ऊपर है इंडस, उसके बाद है झेलम, फिर है चेनाब, फिर है रावी रिवर, आफ्टर डैट ब्यास और फिर इंडस रिवर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर कभी नॉर्थ टू साउथ आ जाता है तो पूछ लेता है कि अगर नॉर्थ से साउथ इन नदियों को लगाइए, तो आप सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, नीचे से सी जे आई, इसके बाद में है आर बी और एस, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्विस्ट द आरबीआई परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी को के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शन आर ए 1 and 4 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2, 3 and 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 4 ओनली। तो इसके अंतर्गत क्या है कि आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत सेल करेगी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगी। तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसीजर है आरबीआई का, जिसके जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की तरह ही एक तरीके की मॉनेटरी टूल है, जिसके द्वारा आरबीआई जो है मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसको सक करता है या मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाता है। तो इसी के लिए है। इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है उसको कम किया जाएगा और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को बूस्ट किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड मलेरिया डे 2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज इस्टेब्लिश ऑन 25th ऑफ अप्रैल इन 2007 बाई द 16th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो वर्ल्ड मलेरिया डे को जो WHO का 16th सेशन था उसमें 25th अप्रैल 2007 को मनाने का निर्णय लिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 इज बिंग सेलिब्रेटेड विद द थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो जो 2020 का थीम था वर्ल्ड मलेरिया डे का, वो ये था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, द देवान हल्ली पोमिलो इज अ वेराइटी ऑफ द सिट्रस फूड। तो आपको बताना है कि ये पोमिलो जो है वो किस स्टेट में ग्रो किया जाता है, किस स्टेट में इसको उपजाया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, और इसको जो है कर्नाटका में GI टैग भी प्रोवाइड किया गया है। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है देवान हल्दी पोमिलो, ये सिट्रस एसिड है यानी जो नींबू होता है, तो नींबू कुल का ये पौधा है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन है, माई बुक माई फ्रेंड #टैग कैंपेन वॉज लॉन्च ऑन सोशल मीडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23rd अप्रैल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये माई बुक माई फ्रेंड #टैग कैंपेन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। योर ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो कैंपेन है #टैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा चलाया गया है स्टूडेंट के लिए। इसमें ये कहा गया है कि आप लॉकडाउन में स्टूडेंट जो है अपनी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उसको पढ़कर फिनिश करें और उसको सोशल मीडिया साइट पर #टैग के थ्रू डाल सकते हैं। तो यही आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ये जो है अप्रैल के लास्ट वीक में हर साल मनाया जाता है। सेकेंड है, द थीम दिस ईयर इज #टैग वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
टेंथ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ई ग्राम स्वराज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 24 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस मनाया जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे 2020 प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऑन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री ने एक ऐप को लॉन्च किया था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, और एक ऐप था मोबाइल ऐप। एंड सेकेंड है, इट विल इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इट मेजर स्टेप टुवर्ड डिजिटाइजेशन डाउन टू द ग्राम पंचायत लेवल। तो यह जो है ग्राम पंचायत की रियल टाइम में मॉनिटरिंग और उसकी जिम्मेदारी को तय करने के लिए है, और यह एक बड़ा कदम है ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज करने के क्षेत्र में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस अवसर पर कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उन पुरस्कार की 5 कैटेगरियाँ हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। सेकेंड है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। थर्ड है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। और फोर्थ है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड अवार्ड। तो ये जो प्लान एंड अवार्ड दिया गया है फोर्थ नंबर का, वो जम्मू कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है उसको दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर अभी एक यूनियन टेरेटरी है तो उसको। फिफ्थ है ई पंचायत पुरस्कार, तो ये जो है सिर्फ स्टेट और यूटीज़ ओनली के लिए है, गिवन स्टेट एंड यूटीज़। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्वामित्व स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वामित्व स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द स्वामित्व स्कीम वॉज इज सॉरी द स्वामित्व स्कीम विच इज लॉन्च्ड इन द ऑल स्टेट इन इंडिया हेल्प्स टू मैप रूरल इनहैबिटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड। तो जो स्वामित्व स्कीम है ये पूरी इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर लागू किया गया है। यह जो है रूरल इंडिया को मैप के थ्रू, लैंड ड्रोन के थ्रू वहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का काम किया जाएगा। सेकेंड है द स्कीम विल इंश्योर स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग रिवेन्यू कलेक्शन एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट इन रूरल एरियाज। तो ये जो स्कीम है इसका काम क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन और जो प्रॉपर्टी राइट डिस्प्यूट होता है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन देना इसका काम होगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल एंड यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks for discussion. Have a nice day.